हेलो एवरीवन, सेवेंथ क्लास का रैशनल नंबर कर रहे थे हम लोग। हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना सीख लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दो पेयर आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं, ठीक है, और आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं। चेक वेदर द पेयर 15/8 एंड 12/9 इज इक्विवेलेंट और नॉट। तो आज हम चेक करना सीखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 8 को 12 से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए कि ये इक्वल है या नहीं है। तो 15 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 135। अगेन अगर 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो ये हो जाएगा 96। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि 135 इज नॉट इक्वल टू 96। तो देयरफॉर दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें नेगेटिव रैशनल नंबर हो। मान लीजिए कि -7/8 है और दूसरा हमारा -21/24 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हैं, सेम टू सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये नंबर और ये नंबर किसी एक नंबर से, यानी कि 3 से, साफ साफ दिख रहा है कि ये कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को कर लेते हैं। -21/24 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, ठीक है। तो ये देखते हैं किस फॉर्म में आता है। अगर डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आ जाएगा हमारा -7/3 8 24 8। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये और ये दोनों ही इक्वल है, सेम टू सेम दिख रहे हैं। इसका मतलब कि ये दोनों पेयर जो हमें दिया गया है, ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करके भी करेंगे ना तो दोनों इक्वल आएंगे, आप चेक कर सकते हैं करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।